हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू न्यू गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज मैं खेलने वाला हूँ डार्क ड्रिल टू मार्स। तो जैसा कि तुम लोग को पता है कि ये डार्क ड्रिल वाले अंकल एक एलियन है और ये पहले धरती पर रहते थे जिनसे हम बहुत ही ज़्यादा मजे लेते थे। बट गाइस मुझे पता चला कि इन्होंने एक मैरी नाम की लड़की को किडनैप कर लिया है और उसे मार्स पर लेकर शिफ्ट हो गए भाई। तो वो लड़की बहुत ही ज़्यादा परेशान है, तो लेट्स गो, आज हम उसे बचाने वाले हैं मार्स में जाके। तो तुम्हारे भाई का रॉकेट यार आते ही क्रैश हो चुका है। और भाई तेरा सर्वर तो ठीक है ना? आई होप मैं एकदम सही हूँ। चलो मैं एकदम सही हूँ, अभी मुझे मैरी को फाइंड करना। और वाह यार, अंकल ने क्या ही दुनिया बना रखी है मार्स पर। और वो देखो सामने अंकल टहल रहे हैं। हेलो अंकल, तेरे अंदर केकड़ा कहाँ गया? अबे भाई ये तो गुस्सा हो गया, मेरे पीछे दौड़ता चला आ रहा। कोई दिक्कत नहीं है, जब तक ये मेरे पीछे दौड़ रहा है मैं इसकी थोड़ा सिटी एक्सप्लोर करता हूँ। और देखो तो भाई, क्या तो इसने अलग अलग इन्वेंशन कर रखी है जो कि वाकई यार बहुत ही ज़्यादा ताजुब और जीनियस है। ये अंकल यार जीनियस, अगर एलियन ना होता ना तो ये बहुत ही मस्त जीनियस होता। बट पता नहीं ये लोफड़बाजी वाला काम करता है और बच्चियों को किडनैप करता है। ओके अभी मैं तो चला अंकल घर के अंदर। चल अंकल आ जा अभी तो अपने घर के अंदर, अभी देखते हैं क्या होने वाला है। बट वो मेरे पीछे भाई, अगर किधर भागू भाई किधर भागू। एक काम करता हूँ ऊपर चलता हूँ यार। वैसे इसने सारे जगह पे एक ट्रैप लगा रखा है जो कि ये कैमरा एंगल आपको दिख रहा होगा। जैसे ही मैं इस ग्रीन लेजर पर भाई पैर रखूँगा मेरा काम खत्म। बाकी यहाँ पर एक अलमारी में ये क्या है भाई? ये शायद कुछ बैटरी वगैरह है जिसे मुझे कहीं ना कहीं तो लगाना है। अबे भाई इसे मैंने फेंक दिया और शोर हो गया। अभी ज़रूर अंकल ऊपर आएगा। और ये देखो यहाँ पे एक ग्रीन लाइट है जिसे मैंने टच कर दिया। और मैरी, इसको अपने घर जाना है भाई। बट इसको बचाने के लिए ये भाई लकड़ी से जल्दी लॉक तोड़, हमें यहाँ से निकलना होगा जल्द से जल्द। ये देखो भाई, ये छोटी सी बच्ची को पता नहीं क्यों अंकल ने किडनैप कर लिया है। बाकी वेट, यहाँ पे देखो इस अलमारी के अंदर एक लॉलीपॉप था जो कि मुझे मैरी को ला के देना है। बट उसके लिए मुझे एक की फाइंड करनी पड़ेगी। तो लेट्स गो गाइस, हेल्प मैरी फाइंड द लॉलीपॉप। भाई यहाँ तो रेड लाइट हो चुकी। अभी अंकल भी आ गया भाई, मैं बोल नहीं रहा था। एनीवेज कोई दिक्कत नहीं है गाइस, मैं इसे गोल गोल। अभी भाई मेरे पीछे ही है, अभी मुझे जस्ट यहाँ से भागना पड़ेगा। चल मेरे प्लेयर भाग भाग भाग। अभी मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले बाहर चलता हूँ भाई। और यहाँ पे एक ग्रीन की है, मुझे एक ग्रीन की दिख गई। बट जिस डोर को हम खोलने वाले उसमें शायद से ब्लू की लगने वाली है, तो ब्लू की फाइंड करते हैं। उसके बाद ये जो ये ग्रीन की है ये कहीं ना कहीं तो लगने वाली होगी, तो इसे मैं बाद में ले लूँगा। बाकी अंकल अभी है तो नहीं भाई, बहुत ही ज़्यादा उसने मेरे को डरा दिया था। बट अभी भी वो घर के अंदर ही निगरानी रखा हुआ है। तो मैं अंदर जाऊँ या फिर ना जाऊँ यार, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। एक काम करता हूँ, इसे घर के बैक यार्ड में थोड़ा घूम लेता हूँ, उसके बाद हो सकता है ये बाहर आ जाए तो मैं अंदर चला जाऊँगा। वेट, ये हुई ना बात भाई, जैसे ही मैं इस लेज़र लाइट में टच होऊंगा ना अंकल तुरंत ऊपर आएगा नीचे आएगा। और ये देखो ये क्रेन है भाई, जो कि शायद हमें इसका भी यूज़ करना है। आई नीड अ की कार्ड फॉर द क्रेन। शायद हमें क्रेन भी गाइस इस गेम में चलाने को मिलेगी, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा भाई। मैं देखना चाहता हूँ आखिर क्रेन का क्या यूज़ होने वाला है। तो लेट्स गो, फटाक से चलते हैं और ब्लू की ढूंढते हैं। ब्लू की कौन से वाले रूम में होगी? मुझे लगता है शायद वो ऊपर वाले रूम में है, तो ऊपर चलते हैं। बाकी अंकल तो अभी बैक यार्ड में चला जा चुका है मुझे ढूंढने के लिए, क्योंकि मैंने ग्रीन लेज़र में वो रख दिया था। बाकी ये हमारा लॉलीपॉप जिसके लिए मुझे चाहिए ब्लू की। मुझे लगता है मुझे ब्लू की भाई ऊपर वाले रूम से कहीं ना कहीं मिलने वाली है। तो मैं भाई इसको लेज़र को जैसे ही टच करूंगा अंकल तुरंत ऊपर आएगा। अभी मैं क्या करूं? बट एक काम करता हूं भाई, अब मैं यहाँ से, अरे वेट, मैं बच गया भाई। जब ये रेड लाइट होगी तब अंकल ऊपर आएगा, तो इस वाले रूम में मैं नहीं गया था। और ये देखो भाई, मेरी किस्मत तो यार वाकई काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इतना जल्दी जल्दी कैसे की मुझे मिल गई। तो चलो मुझे फाइनली ब्लू की मिल चुकी है। हेल्प मैरी फाइंड द लॉलीपॉप। ओके भाई, मैंने लॉलीपॉप देख लिया है, उस अलमारी के अंदर है। बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि अंकल ज़रूर ऊपर आएगा। अब वो आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता यार। बट वेट, यहाँ पे इसने कैमरे एंगल भी भाई सेट कर रखे हैं जो कि ये मुझे देखता रहता है हर तरफ से। तो एक काम करता हूँ अभी भाई, देखो तुम्हारे भाई को निकलना ही पड़ेगा, तो मैं यहाँ से जाता हूँ। और सबसे पहले मैं भाई यहाँ से इसको अंकल को गोल गोल घुमा दूंगा और उसके बाद नीचे चला जाऊँगा। अंकल जल्दी है भाई, मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, मुझे मैरी को बचाना है। और पता नहीं भाई ये बंदा यार क्या ही बोल दूँ इसको, वैसे है तो ये एक एलियन, तुम लोग को पता ही होगा। बाकी भाई तो अंकल आ चुका है, अभी उधर साइड जाना था, ये तो मेरे पीछे ही आ गया। बट एनीवे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे भाई के पास भी बहुत ज़्यादा दिमाग है। अभी पता, अभी भाई भाई मैं तो फंस गया भाई, और अंकल ने मुझे पकड़ लिया यार, ये क्या ही हो गया। ओके गाइस, मैं दोबारा से आ चुका हूँ। और अच्छी बात तो ये है कि जो हमारा सही, देखो मेरे पास ब्लू की अभी भी है भाई, तो ये अच्छी बात है। मुझे लगा मेरा गेम शुरू से आ जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ यार, बच गया मैं। तो अंकल अभी इधर उधर आ रहा है या फिर नहीं, मुझे लगता है मेरे पीछे आ रहा। क्या भाई, वो देखो अभी भी वो सामने खड़ा हुआ है। बट सबसे पहले उसे नीचे आ जाने देते हैं, उसके बाद मैं डायरेक्ट इसके घर के अंदर घुस जाऊँगा। और वो
घर के अंदर घुसते ही भाई मुझे उस अलमारी से लॉलीपॉप निकालना है और ले जाके मैरी को देना है। अबे अंकल जल्दी चल भाई, ये मार्स पे आने के बाद और भी ज़्यादा शायद से बूढ़ा हो गया है, क्योंकि बेचारे को धरती से गए काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए हैं। वैसे यार इसने कॉलोनी तो अपनी बहुत ही अच्छी बना रखी है मार्स पे, मुझे पता ही नहीं था कि ये मार्स पे भी रहता है बंदा। बट कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा भाई भी कम थोड़े ही है, देखो रॉकेट लेके फटाक से मार्स पे ही मैं चला आया। तो चलो यहाँ पे खोलते हैं, और ये रही भाई लॉलीपॉप। भाई जल्दी खुल अंकल, पीछे मेरे खुल मेरे लॉक। चलो फाइनली मेरा लॉक खुल चुका है। लॉलीपॉप उठाते हैं और ले जाके तुरंत मैरी को देते हैं। बाकी यहाँ पे एक ग्रीन की है जो कि मैं अभी वापस से नीचे आऊँगा तो उसे भी उठा लूँगा। और ये शायद से मुझे लगता है सामने वाले रूम में, वो जहाँ पे लेज़र है वहाँ लगने वाली है। तो फटाक से पहले चल के तो लॉलीपॉप देते हैं। मैंने फिर से यार ग्रीन लेज़र पे पैर रख दिया। ये ले भाई लॉलीपॉप। भाई मैरी को पता नहीं, शायद ये साइंटिस्ट वगैरह है क्या यार। देखो अरे लॉलीपॉप के अंदर तो भाई अलग ही चीज़ें हैं, इसके अंदर से तो एक ब्लू लेज़र निकल रही है। और भाई ये भी फैल ही हो गया क्या। यूज़ द क्रेन टू हेल्प मैरी। भाई अभी मुझे क्रेन की हेल्प लेना पड़ेगा, बट अंकल देखो ऊपर आता ही होगा, तो अभी अंकल के आने का इंतज़ार करते हैं और मैं भाग के नीचे जाऊँगा। उसके बाद सबसे पहले अभी मुझे जाना ग्रीन की उठाना है, और ग्रीन की से शायद हमें जो क्रेन का पास है भाई वो मिल जाएगा। तो फटाक से चलते हैं, भाग 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 प्लेयर, जल्दी भाग जल्दी भाग। अभी मैं भागता हूँ गाइस, फटाक फटाक भाग 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 मेरे भाई। चलो फाइनली मैं बच गया हूँ भाई, कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अंकल अभी लगता है मुझे अंदर ही है, तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं चल के ग्रीन की उठा लेता हूँ। इस की को ब्लू की का तो वैसे काम नहीं है, तो मैं जाऊँ या फिर ना जाऊँ भाई मुझे अभी भी देखो डर लग रहा है। बट एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं इस ग्रीन लेज़र पे आ जाता हूँ ताकि अंकल मुझे कैमरे में देख लेगा और वो दोबारा से आएगा। अबे अंकल आया नहीं भाई, क्या हो गया। अरे अरे भाई ये तो छत से आ रहा, अभी ये तो जंप भी मारने लगा भाई, अभी तो इसे चलते नहीं बन रहा था, बट ये तो साला छत से जंप वंप मार रहा है। बट कोई दिक्कत नहीं है गाइस, अभी मैं इस वाले पे लेज़र पे भी पैर रख दूंगा ताकि अंकल का ध्यान इधर आ जाए और मैं भी एकदम सेफली घर के अंदर घुस जाऊँ। और वो ग्रीन की मुझे चाहिए भाई फटाक से। चलो फटाक से उस ग्रीन की को उठाते हैं। ग्रीन की मेरी, ग्रीन की कहाँ है तू। वो ये रही ग्रीन की, इसे मैं बहुत देर से देख रहा था। तो मुझे लगता है ये जो सामने वाला एक रूम है ना भाई, इसके अंदर शायद ग्रीन की लगने वाली है। प्लीज़ इसी के अंदर लगने वाली हो। अरे यहाँ तो कुछ नहीं है, वेट यहाँ पे एक रूम है भाई, जल्दी से फटाक से ग्रीन की लगाता हूँ। चल खुल भाई जल्दी से खुल। अबे यहाँ तो वो वाला रोबोट है भाई जो कि आवाज़ कर देता है, देखो इसने आवाज़ कर दिया है। अभी तुरंत अंकल यहाँ आएगा। बाकी हमें क्रेन का जो कार्ड है भाई वो मिल चुका है। तो फाइनली गाइस अभी मैं मैरी को बहुत ही आसानी से बचा पाऊँगा, ये हुई ना बात। अभी हम मैरी को फटाक से मार्स पे लेके जाने वाले हैं। आ जा अंकल, आ जा तू प्रो प्लेयर के साथ खेल रहा है, तुझे नहीं पता है मैं बहुत ही ज़्यादा प्रो हूँ। फटाक से भागते हैं गाइस बाहर। अभी मुझे केवल बाहर की साइड भागना है भाई, और अंकल से अपना बचाव करना है, उसके बाद जाके क्रेन में ये कार्ड लगाना है। और मैरी को भाई क्रेन से मैं कैसे खींचूंगा मुझे पता नहीं यार, बट चलो देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अंकल अबे अंकल थक गया, या फिर उसने मुझे शायद नज़रअंदाज कर दिया है। तो एक काम करता हूँ भाई, उसे मैं नीचे ही चले जाने देता हूँ। जैसे वो नीचे आ जाएगा मैं ऊपर चला जाऊँगा क्रेन के पास, और फटाक से उस क्रेन के अंदर इस कार्ड को फिक्स करूँगा, और फिर मैरी को बचाएंगे। भाग अंकल जल्दी भाग भाई, ये कुछ ज़्यादा ही समय ले रहा है, इसे मैं क्या ही बोल दूँ। बट चलो अभी ये जा चुका है भाई, फटाक से चलते हैं क्रेन के पास। बट मुझे क्रेन चलानी आती नहीं भाई, बट कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस मैंने पहले थोड़ा बहुत इस गेम को खेला था यार, क्योंकि यार प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है, प्रैक्टिस ना करूँ तो ये गेम कहाँ से बनेगा, इसीलिए मैं थोड़ा अच्छा खेल पा रहा हूँ। बाकी फटाक से यहाँ पर इसको फिट करते हैं, और अभी बारी आ चुकी है तुम्हारे भाई की क्रेन चलाने की। ओके चल बंदे स्टार्ट कर भाई। इस बंदे की यार वाकई काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करता हूँ मैं, ये बंदा बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। देखो इसने मैरी को बचाने के लिए भाई मार्स पे आ चुका है। बाकी अभी देखते हैं गाइस कि हमें करना क्या है।